फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ माई टॉप 10 लिप बाम फॉर समर्स। एंड इनमें से बहुत सारे लिप बाम है जो समर्स से लेकर रेनी सीजन तक आपको चलेंगे। तो चलिए मैं वन बाई वन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अफोर्डेबल लिप बाम से स्टार्ट करूँगी, जो कि अंडर 35 रुपीज़ का ही है, अंडर 50 है। एंड दिस इज़ वादी ऑरेंज लिप बाम, जो कि समर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। आपकी लिप्स के टैनिंग को रिमूव करता है और साथ ही ऑरेंज जो होता है वो आपके लिप्स के सब को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है। तो दिस इज़ द लिप्स बाम। और इसमें ना पीच लिप बाम जो है उसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो फिनिश हो चुकी है। अगर आपके लिप्स ज़्यादा ड्राई होते हैं तो आप पीच लिप बाम में भी जा सकते हैं, जो इसमें एक और फ्लेवर आता है। पीच में जा सकते हैं, लीची में जा सकते हैं। इसमें 3 से 4 स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अलग अलग फ्लेवर आते हैं। तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, उस लिप बाम को परचेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट लिप बाम, इसे मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ द लिप बाम और ये ऑलमोस्ट इतना फिनिश भी हो चुका है। सो अब नेक्स्ट टाइम मैं इसकी बड़ी पैकेजिंग ही परचेज करूँगी। नेक्स्ट जो लिप बाम है मेरा वो है फ्रॉम वैदिक, और ये जो इसका जो प्राइस है वो है 85 रुपीज़। दिस इज़ द लिप बाम। इसके ऊपर का रैपर हट चुका है, सो प्लीज़ इग्नोर। सो ये इस तरह से है, इसकी आधी से ज़्यादा मैंने फिनिश कर दी है। और ये भी एक ऑरेंज लिप बाम है, क्योंकि समर्स में ये जो लिप बाम है ना, ये थोड़े से लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं करते हैं, ठीक ठीक हाइड्रेट करते हैं, तो समर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और ऑरेंज है तो ऑब्वियसली ऑरेंज लिप बाम फेस के लिए, लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है इन दिस समर। और ये भी काफ़ी अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट करता है, अफोर्डेबल है और शेल्फ लाइफ इसकी 2 से 3 साल है। सो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड लिप बाम। एंड अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई लाइक मेरी तरह, की गर्मियों में भी आपके लिप्स फटे हुए ही रहते हैं, सो आप जा सकते हैं गुड वाइब्स चॉकलेट लिप बाम में। ये आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेट रखता है, ये विंटर्स में काम नहीं जाता है। इसमें विंटर्स में छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं। सो आप इसे समर्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस इस पर मेंशन नहीं है, तो प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप परचेस करना चाहें तो। तो ये एक लिप बाम है जो कि काफ़ी अच्छी है, सो मैं इसे समर्स में हाईली रिकमेंड करूँगी। और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो आप इसे एज अ मसाजर भी काम में ले सकते हैं और एज अ लिप बाम भी काम में ले सकते हैं। तो माई नेक्स्ट जो लिप बाम है वो है ऑफकोर्स माई फेवरेट बायोटिक। और समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, कोई भी मौसम हो, अगर आपके लिए बहुत एक्सट्रीम ड्राई होते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम ड्राई, तो आप बायोटिक के लिप बाम में जा सकते हैं। दिस इज़ द बायोटिक लिप बाम। और इसका जो प्राइस है वो है 175 रुपये। और इसमें काफ़ी वेरियंट्स आते हैं लिप बाम में, आप चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बायो फ्रूट विजम लिप बाम, सो दिस इज़ द लिप बाम। और इसे मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ये फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिप बाम है और ये मेरा एवरीडे पर्पज़ है। ये ऐसे तो कलर दिख रहा है बट ये लिप्स पर टिंटेड नहीं रहता है। एक्चुअली इनमें से जितने भी अभी तक मैंने लिप बाम आपको चारों शेयर किए हैं, उनमें से कुछ भी लिप पे टिंटेड लिप बाम नहीं रहते हैं। ये नॉर्मल सिर्फ हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन के लिए है, तो आप इसको अपने नाइट केयर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट लिप बाम आता है, जो कि एक मसाजर है, जिसे मैं एज अ मसाज काम में लेती हूँ जब मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं। तो दिस इज़ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम, दिस इज़ द लिप बाम। और ये फर्स्ट टाइम आया था तो मैं इसे ओपन नहीं कर पा रही थी, बहुत कोशिश करी, बाद में पता चला कि इसे ट्विस्ट करके ओपन करना है। और ये इस तरह से एक लिप राउंड आता है, ये हाफ फिनिश हो चुका है और आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये बेसिकली टी ट्री लिप बाम है, जो कि एक मस्ट है और प्रोडक्ट है। टी ट्री जो होता है वो भी आपकी स्किन और आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सो मैं इसे भी सजेस्ट करूँगी। थोड़ा सा महंगा आता है, इसका प्राइस लिखा नहीं है, पर ये आई थिंक 200 के अबाउ इसकी प्राइस है, सो आप इसमें जा सकते हैं। और इस तरह के अनादर लिप बाम भी अनादर ब्रांड्स में आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं चाहे तो, बट मैं ये टी ट्री लिप बाम ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को। उसके बाद एक लिप बाम और है जो मैंने न्यू लॉन्च पे परचेज किया था, और वो है फ्रॉम नायका सीरियल किसर लिप बाम, दिस इज़ द लिप बाम। और ये अभी तक जो जितने भी लिप बाम है वो टिंटेड नहीं है, और मैं टिंटेड लिप बाम भी आपको सजेस्ट करूँगी। सो ये पीच फ्लेवर से है और इसका प्राइस आई थिंक 350-250 रुपये कुछ ऐसा कुछ है। तो ये इस तरह से स्टिक लिप बाम आता है, यू कैन सी, और ये आधा फिनिश हो चुका है। मैं इसे अभी समर्स में बहुत यूज़ कर रही हूँ, समर्स के हिसाब से परफेक्ट है, विंटर्स में ये उतना काम नहीं करता है, बट इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। पर मैंने यही किया क्योंकि मुझे पीच लिप बाम ही अच्छा लगता है, जो टिंटेड सॉफ्ट सफल बनाए लिप्स को, सो मैं इसे भी सजेस्ट करूँगी, आप चाहे तो ये परचेज कर सकते हैं। उसके
बाद नेक्स्ट जो लिप बाम है वो मेरा बहुत ही 100% वेजिटेरियन वेगन लिप बाम है, नेचुरल लिप बाम है, और वो है सोल ट्री, और ये है सोल ट्री कैंडुला एंड हनी विद ऑर्गेनिक घी, और ये मैंने परचेज किया था फॉर समर विंटर्स, क्योंकि जो देसी घी होता है ना, अगर आपके पास कुछ भी लिप बाम नहीं है तो आप देसी घी अपने लिप्स पर अगर लगा लेते हैं ना, तब भी आपके फटे हुए होंठ 2 से 3 दिन में ही रिकवर हो जाएंगे। बट इसीलिए मुझे इसमें जब पता चला कि इसमें ऑर्गेनिक घी डला हुआ है, तो मैंने इसे अपने आप को रोक नहीं पाई इसके न्यू लॉन्च होने पर, इसे परचेज कर लिया। और ये इस तरह से मुझे हालांकि थोड़ा सा डैमेज्ड मिला है, और ये आधे से ज़्यादा फिनिश हुआ है, क्योंकि जब भी मेरे लिप बाम मेरे लिप्स ना बहुत एक्सट्रीम फट जाते हैं ना, तो मुझे एटलीस्ट इन लिप बाम जो बाकी के लिप बाम है वो उतना धीरे इफेक्ट करते हैं, बट ये बहुत फास्ट इफेक्ट करता है। और अभी समर्स में भी मेरे बीच में पानी की कमी की वजह से बहुत लिप बाम लिप्स सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, उनकी स्किन निकलने लगी थी, तो उस टाइम पे मैं रेगुलर मैंने 3 से 4 दिन इसे लगाया और मेरे लिप्स काफ़ी अच्छे से रिकवर हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी, अगर आपके समर्स में भी बहुत ज़्यादा लिप्स चैप्ड रहते हैं, फटे हुए रहते हैं मेरी तरह, तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूंगी। और इसका आई थिंक प्राइस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, और ये SLS फ्री भी है, पैराबिन फ्री भी है, और ये सर्टिफाइड नेचुरल, ये मेड बाय जर्मनी है। सो आप चाहे तो परचेज़ करें, वैसे भी अभी इन दिनों इंडियन मार्केट की चीज़ें परचेज़ करी जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो अभी आप इसे अवॉइड करके इंडियन ब्रांड की प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो लिप बाम है वो है टिंटेड लिप बाम, और ये है फ्रॉम लोटस, लोटस लिप लश लिप बाम, दिस इज़ द लिप बाम, और ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है, टिंटेड लिप बाम है, आप देख सकते हैं, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और मैंने इसे हाफ फिनिश कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये ना समर्स में ही आपको काम आएगा, विंटर्स में ऐसे उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि विंटर्स में तो ये इतना हार्ड हो जाता है कि लिप्स पे लगाना ही मुश्किल हो जाता है, और लिप्स को जब लगाना ही मुश्किल तो ये लिप्स को क्या अच्छा करेगा। सो समर्स में आप इसे लगा सकते हैं, समर्स में ये थोड़ा सा पिघल जाता है, सो आपके लिप्स पर अच्छे से टिंट भी आ जाता है, और आप इसे डे में, एवरीडे में, जिन लोगों को एवरीडे में लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना नहीं पसंद है, वो सिंपल सा मॉइस्चराइजर लगा के और कोई भी टिंटेड लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए तब कारगर रहेगा। और उसके बाद बात आती है नेक्स्ट मेरा फेवरेट लिप बाम, और वो है नीविया का। इसमें 3 वेरियंट लॉन्च हुए थे, 3 में एक रेड था, एक पिंक था, एक पीच था, तो मैंने इसे पिंक ही परचेज किया, क्योंकि मुझे समर्स में पिंक लिप्स ज़्यादा पसंद है। सो ये इस तरह से बुलेट फॉर्मेट में आता है, यू कैन सी, और इसे मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कम ही यूज़ किया है, ये काफ़ी मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। सो मैंने इसे इसमें इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो थोड़ी मेडिकेटेड है, तो वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, इसलिए मैं इसे कम यूज़ करती हूँ, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा टिंट देता है, और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टिंट देता है। सो मैं इसे सजेस्ट करूँगी जिन लोगों को निविया के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, या फिर जिन्हें फ्रेगनेंस से कोई इशू नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसका भी टिंट मैं अपने हैंड पर बता देती हूँ, लोटस का, तो आप देख सकते हैं ये लोटस का टिंट है, ये निविया का टिंट है, तो जैसा भी आप चाहें इनमें से परचेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी टिंटेड लिप बाम यूज़ किए हुए हैं, बट वो सारे फिनिश हो चुके हैं। सो अब मेरा नेक्स्ट जो लिप बाम आता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, और वो मैंने परचेज किया था 250 रुपये में, इसकी प्राइस घट गई थी। सो दिस इज़ द कलर बार स्पिन लिप बाम, और ये एक स्पिनर है जिसे आप इस तरह से ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम पास भी हो जाएगा, और ये स्ट्रेस बूस्टर का भी काम करता है। उसी के साथ इसके अंदर 3 लिप बाम आते हैं, एक आता है स्ट्रॉबेरी, एक आता है एक स्ट्रॉबेरी है, एक पीच है, और उसके बाद तीसरा मुझे नाम दिख नहीं रहा है, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई हूँ, आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट है, मैंने कभी खाया नहीं है, सो देखा नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, आई थिंक ये ब्लूबेरी है, ऐसा कुछ होगा। सो ये इस तरह का लिप बाम है, और आप इसे इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से मैं इसे ओपन करके बता देती हूँ। तो ये इस तरह से ओपन होता है, और आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, आपके पास 3-3 वेरिएंट हो जाते हैं। सो पीच लिप बाम और स्ट्रॉबेरी लिप बाम तो काफ़ी अच्छी है, और ये वाली लिप बाम का कलर मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, बट हाँ ठीक है, मैं लगाती हूँ इसे, यूज़ करती हूँ, तो इससे काफ़ी, ये भी टिंटेड लिप बाम है, बहुत बहुत लाइट टिंट होता है, बाकी मेन काम इसका मॉइस्चराइजिंग का ही होता है, तो ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से सप्पल, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है। उसी के साथ आप इससे यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ द वेरी प्लस पॉइंट। तो ये थे मेरे 200 लिप बाम, और इसमें सबसे ज़्यादा हाईली सजेस्ट करूँगी, अगर बहुत ज़्यादा फटे हुए होंठ हैं आपके, तो दिस वन एंड बायोटिक एंड
दिस वन और ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का टी ट्री लिप बाम. उसके बाद टिंटेड लिप बाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगी निविया एंड कलर बार ऑफकोर्स, क्योंकि ये वाला तो विंडर्स में काम नहीं आने वाला और सबके पास बहुत सारे लिप बाम नहीं होते हैं, सब लोग एक ही लिप बाम खरीदते हैं पूरे साल चलाते हैं. सो इसलिए ये इट्स नॉट गुड, इट्स गुड फॉर ओनली समर. सो मैं इसे हाईली सजेस्ट नहीं करूंगी. अदरवाइज बाकी सारे लिप बाम अपने बजट के अकॉर्डिंग है, तो आप चाहे जैसे परचेज कर सकते हैं. एंड आई होप आपको मेरा ये 10 लिप बाम का समर्स लिप बाम का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. और अब हम मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.